प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर में पार्क से अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को फूलपुर लोकसभा सीट से पूर्व सपा प्रत्याशी रहे अमरनाथ मौर्य ने राइफल लेकर खदेड़ लिया। इस मामले में देर रात उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। वहीं पूर्व सपा प्रत्याशी ने आरोपों को गलत बताया है। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी का नेता अमरनाथ मौर्य राइफल लेकर नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। मामला एक पार्क पर कब्जा करने के विवाद से जुड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में राइफल लेकर नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाने वाला सपा नेता अमरनाथ मौर्य इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से पार्टी का उम्मीदवार भी था। और जब मैं यहां पर आया तो नगर निगम से भरी गाड़ियों से मेरे ईंटें को उखाड़ ले गए। इसमें लगभग 4 लाख तक की मतलब ईंटा थे, बालू थी, सारी सब जो है उसमें संपत्ति मतलब सारी थी, उखाड़ ले गए। और जब मैं यहां पर आया तो यहां पर न कोई नगर निगम का अधिकारी मिला। खाली ये लोग जो यहां पर है, ये फोर्स वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा मुझे नगर निगम का अधिकारी ने पूछा। मैं इनसे पूछा हूँ किस तरह से जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं गुंडों का सफाया कर रहा हूँ। यहाँ एक अनु सिंह नाम का एक जो है किसान यूनियन का नेता है, जिसका बोर्ड लगा हुआ, मैं नहीं जानता उसके नाम जमीन है कि नहीं। ये जमीन दूसरे लोगों के भी काश्तकारों की है। इस पर एक ताराचंद गुप्ता नाम का बगल में भैंस बांधता है। इनकी नियत बहुत पहले से लगी हुई थी। कई बार मुझसे कहा नेताजी जमीन को बेच दो, मैं कहा मैं जमीन को नहीं बेचूंगा। और आज जब मैं आया तो मेरी सारी ईंटें को उखाड़ ले गए। और मैं जब थाना अध्यक्ष को फोन किया तो तत्कालिक थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नहीं, वहाँ नगर निगम द्वारा सफाई किया जा रहा है, वहाँ कोई आपकी बाउंड्री को टच नहीं करेगा। इन्होंने मेरी बाउंड्री को उखाड़ करके उसका एविडेंस खत्म करने के लिए और से बाउंड्री को उखाड़ा गया है। मेरी जमीन पर कब्जा करने की नियत से मेरी जमीन को कब्जा किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उच्च अधिकारियों, जिलाधिकारी इलाहाबाद, कमिश्नर, SSP या अन्य अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि देश कानून का राज है, संविधान के तहत चलता है। इस पर कोई मेरा मुकदमा नहीं, जो मुकदमा कोई स्टे नहीं है। अगर सवाल मुकदमा के दौरान मुकदमा चल नहीं रहा, ना कोई स्टे है, फिर भी उसके बाद मेरी जो ईंटा उठा ले गए, एक तरह से दिन दहाड़े ये डकैती है, इनके ऊपर डकैती का मुकदमा किया जाए नगर निगम के ऊपर। बताया जाता है कि पार्क में सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत होनी है। उससे पहले नगर निगम की टीम यहां से मलबा हटाकर पार्क की सफाई करने पहुंची थी। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि इस पार्क के ज्यादातर हिस्से पर सपा नेता अमरनाथ सिंह मौर्य ने अवैध कब्जा कर रखा है। वहां उसने जानबूझकर मलबा फैला रखा था। नगर निगम की टीम जब मलबा हटाकर सफाई करने पहुंची तो अमरनाथ मौर्य राइफल लेकर मौके पर आ गया और उसने नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाते हुए सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। दूसरी तरफ आरोपी सपा नेता अमरनाथ मौर्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और किसान यूनियन के पदाधिकारियों पर ही पार्क कब्जा करने का आरोप लगाया है। वही CCTV के आधार पर सपा नेता अमरनाथ मौर्य के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। धूमनगंज थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि चौकी प्रभारी नीवा कुलदीप उपाध्याय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जबकि अमरनाथ मौर्य का कहना है कि नगर निगम की टीम ने मेरी दीवार गिरा दी जो पूरी तरह से वैध थी, इसी का मैंने विरोध किया। जहां तक राइफल लेकर आने की बात है तो रक्षाबंधन के चलते मेरे सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर हैं, ऐसे में मैं खुद अपने साथ शस्त्र लेकर चलता हूं। किसी को खदेड़ने का आरोप गलत है।